इसके अंदर का आग देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ ब्रिक्स चिमनी, जो कि देख सकते हैं चारों तरफ चिमनी चिमनी है यहाँ पे। आइए अब आपको दिखाते हैं ईंट का जो सांचा है वो कैसे तैयार किया जाता है, जो कि लोग वहाँ के जो वर्कर हैं वो लगे हुए बनाने में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है पुलिस मनी। पुलिस मनी नाम है आपका? आपका जो ये जो है ना कारीगरी बहुत अच्छा लगा हमको देखकर। दिन भर में कितने ईंट बना लेते हैं आप? आदमी पर 500 ईंट बनता है। एक आदमी पे 500, मतलब कितना पीस तैयार कर लेते हैं आप? जोड़ी है जी, 3 × 1 = 1500। 3 आदमी, ये आपकी पूरी फैमिली है? अच्छा, 1500 ईंट बना लेते हैं आप? अच्छा, दिन भर में। तो सुबह से लगते हैं शाम तक आप? हाँ, दिन भर में ही लगता है। कुछ अभी पार देंगे, कुछ भोरे पार देंगे। अच्छा अच्छा, तो इसमें बस 3 लोग लगे हुए कि और भी सब जगह लोग लगे हुए? सब लगा हुआ आदमी के। अच्छा, तो बरसात में तो आपका जो जो काम है वो तो बंद हो जाता होगा? 10 दिन के बाद बंद हो जाएगा। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? अच्छा, गया के रहने वाले। चलिए ठीक है, आपका काम तो बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ब्रिक्स चिमनी की जो वर्कर हैं, जो लेबर है, वो कैसे काम करते हैं इतनी तपिश में, इतनी धूप में, जो कि 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं वो लोग। और ऑलरेडी जो नीचे आग बनती है वो तकरीबन 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस होती है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आइए। Thank you.
यहाँ के ज़्यादातर जो वर्कर हैं वो आउट ऑफ बिहार के हैं, बिहार के बाहर के हैं, ज़्यादातर झारखंड के हैं, ज़्यादातर बंगाल के हैं। आइए हम देखते हैं जो इतनी तपिश में जो वो जो काम करते हैं, आइए उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, हम देखते हैं और पूछते हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? जाकिर हसन है। जाकिर हसन नाम है आपका? जाकिर हसन। आप यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 25 तारीख के घर तक। बहुत ज्यादा हीट है, आ जाइए यहाँ पे थोड़ा। बहुत ज्यादा हीट है यहाँ पे, जो कि जान सकते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस अंदर। 25 तारीख घर तक जाएगा। 25 को गांव जाएंगे आप। यहाँ कितने दिनों से हैं आप? आज के कितना तारीख? आज 6 तारीख। 6 तारीख 6 तारीख वाले 15-16 दिन काम करेगा। 15-16 दिन काम करेंगे आप? काम करेंगे। और कितनी दिनों से कर रहे हैं आप? महीना, दो महीना, साल, दो साल? दो साल नहीं करेगा, हम दो महीना करेगा। दो महीना और करना है? अच्छा अच्छा दो महीना नहीं करना है, एक महीना हो जाएगा। हाँ। एक महीना 10-12 दिन हो जाएगा। और कितने दिन हो पड़ेगा? दो महीना। आप कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने? दो महीना होगा। आपका घर कहाँ है, गाँव आपका? कहाँ घर? मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद बंगाल? अच्छा, ये बंगाल के रहने वाले हैं। अच्छा, आप जो ये इतनी अंदर में जो आग है, आपको गर्मी नहीं लगती है? हाँ लगती है, लगती है ना। सब काज और कुछ नहीं करेगा ना? नहीं करेगा, हम पढ़ना चाहिए। मस्जिद है ना, तो मस्जिद बोलना क्या, नाम क्या बोलेगा? हमारा मस्जिद बोलता है ना, वैसे वही पढ़ेगा। सही बात है, पढ़ने के बाद तो एजुकेशन लेना भी तो बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे आप? 16-17 हो जाएगा ना, जो जिम्मेदारी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, आप नहीं पढ़ पाए, तब क्या जो किया कि आप काम कर रहे हैं? हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी आती है तभी आदमी काम करना पड़ता है कि नहीं? जरा गरीब है तरह काम करना पड़ेगा। सही बात, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना पड़ेगा। खाना है, खाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। कौन की मंगा मैंने, और कुछ सब कुछ होगा, सब्जी नहीं पड़ेगा, खाना नहीं खाएगा। तो इसमें जो आग है, आग है, कितना तापमान? कितना ताप? बहुत ताप है, बहुत ताप है ना। इसका जो आग है, आप वो आग दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखा सकते हैं, दिखाई तो आग। आइए आपको इसके अंदर का आग देखते हैं। काज नहीं करेगा, दो मास होगा, नहीं होगा तो मास होगा, कम करेगा, पढ़ेगा, हम मस्जिद में पढ़ेगा। अच्छा, आप मतलब कहना चाहते हैं पढ़ाई करेंगे? अभी आप पढ़ाई करेंगे, पैसे से कम करता है? नहीं सही है, आप से होगा काम तो करता ही है। वैसे ये काम तो मेरे ख्याल से जो है ना, लोग एक साल से दो साल से ज्यादा ये काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट रहती है। है ना, बहुत ज्यादा हीट है ना? हाँ बहुत ज्यादा हीट। कैसे आप कर लेते हैं मगर? बहुत ज्यादा हीट है भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जाकिर भाई से मिलके, बहुत अच्छा लगा। इतने कम उम्र में ये अपने फैमिली का बोझ उठाए हुए हैं, मेहनती हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को चला रहे हैं। अच्छा, बहन की शादी भी करनी है? हो गया शादी? आप नहीं करवाया? ना ना, हम नहीं करेगा। आपने मतलब अपने पैसे से कमा कमा के देगा, बैग देगा और कुछ सब कुछ देगा, घर सारे देगा ना, बहन के सब देगा, सब कुछ देगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। शादी हो चुकी है ना बहन की? शादी हो गया। चलिए, बहुत अच्छा मस हो गया, शादी 5-6 मस हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह और तरक्की दे। ठीक है भाई, तुम बहुत 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 शुक्रिया आपका, ऊपर वाला बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूं। इसी तरीके के यहाँ हजार से ज्यादा यहाँ वर्कर काम करते हैं, हजारों फैमिली यहाँ चलती है इसी के बदौलत। जो सारे चिमनी हैं यहाँ पे, बिहार के, झारखंड के, बंगाल के, सारे जगह के यहाँ पे स्टाफ और वर्कर यहाँ पे काम करने आते हैं, उसी से उनका रोजी रोटी चल रहा है। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे बने रहें। और मैं ब्रिक्स कैसे बनती है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, आज तो सिर्फ मैंने उनके काम करने वाले वर्कर पे वीडियो बनाई है, कैसे काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।